बुद्धिज्म का दरवाजा सभी लोगों के लिए खुला है, चाहे कोई पापी हो या संत। इसमें हर आदमी का स्वागत है। बुद्धिज्म में जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बढ़ने के बहुत से रीजंस में ये भी रीजन था, और इसी तरह फॉलोअर्स जुड़ते चले गए और संघ यानी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की शुरुआत हुई। इन संघों को बनाने का एक ही मकसद था, बुद्धिज्म को लोगों तक पहुंचाना। एनलाइटनमेंट के 7 हफ्ते बाद गौतम बुद्ध इस इपताना की तरफ बढ़े, जो आज सारनाथ के नाम से जाना जाता है और बनारस में है। वहां उनके 5 तपस्वी साथी मौजूद थे। उन 5 साथियों को बुद्ध ने अपना पहला सरमन यानी उपदेश दिया, धम्म चक्र पवन सुत्त यानी सच्चे मार्ग का क्रम। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा उपदेश दिया, अनत्ता लखना सुत्त यानी द थियरी ऑफ नॉन सेल्फ। उन 5ों ने बुद्ध के सरमन्स को अपने अंदर इस तरह उतार लिया कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अपने अंदर की बुराइयों को छोड़कर ये 5ों बुद्ध के पहले संघ का हिस्सा बने। इस पहले संघ का नाम था अरिया संघ, और इसकी शुरुआत खुद गौतम बुद्ध ने की। इस तरह अपने पहले सरमन के बाद साल भर में ही बुद्ध के शिष्य 5 से बढ़कर 60 हो गए। बनारस में बरसात के बाद बुद्ध ने सभी फॉलोअर्स को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हे भिक्खुओं, जिस तरह मैं इस लोक और परलोक के हर लगाव से दूर हूँ, उसी तरह तुम भी हो। अब तुम धम्म के दूत हो, तो जाओ भ्रमण करो, हर दिशा में ये शांति और शुद्धता का संदेश पहुंचाओ। भिक्खुओं के संघ अभी भी गौतम बुद्ध के उपदेश के अनुसरण में लगे हैं। इन संघों में औरतों के आने का इतिहास भी काफी इंटरेस्टिंग है। बुद्ध की माँ महामाया की डेथ बुद्ध को जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी, इसलिए महामाया की बहन महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध को पाल पोसकर बड़ा किया। एनलाइटनमेंट के बाद जब प्रजापति गौतमी ने बुद्ध की शरण में आना चाहा, तो गौतम बुद्ध ने इनकार कर दिया। उन्होंने किसी भी औरत को संघ में शामिल करने से मना किया। ऐसे में गौतमी और लगभग 500 औरतों ने अपने बाल कटवाए, भिक्खुओं की वेशभूषा धारण की और सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध के पीछे निकल गईं। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध नहीं चाहते थे कि औरतें संघ में आएं, क्योंकि उस समय के समाज में वो अकेले सेफ नहीं रहेंगी, और मंक्स बनाने के रूल्स के हिसाब से औरतों को छूने की मनाही है। औरतों और आदमियों का मेल संघ को बर्बाद कर सकता था। गौतमी की इस जिद को देखकर बुद्ध ने उन्हें संघ में शामिल करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन बहुत सी मुश्किल शर्तें भी उनके सामने रख दी। ये 8 शर्तें गरुधम्म के नाम से जानी जाती हैं। ये शर्तें इस तरह थीं: 1. भिक्खुणी संघ में चाहे 100 साल से हो, उसे नए शामिल हुए भिक्खु का आदर करना होगा और उसके सम्मान में खड़ा होना होगा। 2. भिक्खुणी को भिक्खुओं की मोनेस्ट्री से ज्यादा 6 घंटे की दूरी पर रहना होगा, ताकि वो मंक से कभी भी सलाह और धर्म की दीक्षा ले सकें। 3. भिक्खुणी भिक्खु की छत्र छाया में रहेगी और उपोसाथा यानी बुद्धिस्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेंस में भिक्खुओं से सलाह लेगी। 4. भिक्खुणी को अपनी पूरी जिंदगी भिक्खुणी और भिक्खुओं दोनों के नियम के अनुसार बितानी होगी। 5. भिक्खुणी अगर कोई भी नियम तोड़ती है तो उसे आधे महीने प्रायश्चित करना होगा और उनको भिक्खुओं के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। 6. भिक्खुणी के संघ में आने के 2 साल के बाद ही उपसंपदा यानी ऑर्डिनेशन मिल सकता है, यानी सभी औरतों को 2 साल तक प्रोबेशन पर रहना होगा। 7. भिक्खुणी भिक्खुओं को डांट नहीं सकती और ना ही ऊंची आवाज में बात कर सकती है। 8. भिक्खुणी भिक्खुओं को सुझाव या धर्म की दीक्षा नहीं दे सकती, सिर्फ ले सकती है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर विनय पिताका के अकॉर्डिंग एक भिक्खु के लिए 250 रूल्स की लिस्ट है और भिक्खुणियों के लिए 348 नियम। ये सारे नियम भिक्षुओं के जीवन के हर पहलू के बारे में बात करते हैं और इन्हें प्रतिमोक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें से मेन रूल्स हैं जैसे चोरी ना करना, किसी का मर्डर ना करना, झूठ ना बोलना, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करना, सिले हुए कपड़े ना पहनना आदि। ये रूल्स भिक्खुओं को जागरूक रखने के लिए खुद बुद्ध ने बनाए थे। इन नियमों से ईगो यानी अहम दूर रहता है और बुद्ध जैसा जीवन यापन करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। इन रूल्स की वजह से ही संघ आगे बढ़ते चले गए और बुद्ध का मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहे। सारे बुद्धिस्ट संघ मोरालिटी यानी सदाचार के प्रिंसिपल पर चलाए जाते हैं। संघों के एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर सबसे वरिष्ठ भिक्षु के हाथ में होती है और उनका कहना सब मानते हैं। संघों की देखभाल सारे भिक्षुओं का साझा कर्तव्य होता है। संघों के लिए बनाए गए नियम गृहस्थ लोगों और भिक्षुओं के बीच में एक संबंध भी जोड़ते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि गृहस्थ और भिक्खुओं का वजूद आपस में जुड़ा हुआ है। बिना गृहस्थ लोगों के भिक्खु संघ नहीं चल सकता। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर विनय पिताका में दिए बहुत से नियम
भिक्खुओं द्वारा गृहस्थ लोगों को इज्जत देने के लिए हैं और दान देने के कई नियम भिक्खुओं के तप में बाधा न आए ये सोचकर बनाए गए हैं। जीने के लिए जरूरी रोटी कपड़ा मकान और दवाएं भिक्षुओं को गृहस्थ लोग देते हैं। हर भिक्षु को अलग से ये सारी चीजें देने के बजाय इन्हें बुद्धिस्ट संघ को दिया जाता है और संघ भिक्षुओं में ये चीजें बांट देती है। इसके बदले संघ लोगों में धर्म का प्रचार करती है और उन्हें उनके जीवन में आ रही कठिनाइयों से जूझने का रास्ता बताती है। भिक्षुओं को खाना केवल मांग कर खाने की प्रथा है। खाना खाने का समय नियत होता है और उस समय के बाहर भिक्षुओं को खाना मना है। भिक्षुओं को खाने में जो भी मिले उससे उन्हें संभावना से स्वीकार करना होता है। यहाँ सबसे अहम शिक्षा होती है अपने स्वाद व लालच में ना बहकर केवल जितना जरूरी है उतना ही खाना। भिक्षुओं के कपड़े हमेशा मामूली और उनके समुदाय को दर्शाने वाले होते हैं। भिक्षुओं को स्वयं पैसे या सोना चांदी लेना सख्त मना है। बुद्ध ने अपने समय में भिक्षुओं को कुछ छोटी मोटी संपत्ति अपनाने की इजाजत दे दी थी, जैसे कपड़े सिलने के लिए सुई धागा, रोशनी के लिए दिया, खाने पीने के लिए बर्तन वगैरह। लेकिन विलास या लक्जरी वाली कोई भी वस्तु किसी मंक के पास होना ठीक नहीं। सभी भिक्षुज और भिक्षुणीज ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कई बुद्धिस्ट देशों में जैसे तिब्बत, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा के कई बुद्धिस्ट संघ डायरेक्टली राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन गए हैं। इसमें कई संघर्ष हिंसात्मक भी हुए हैं, जैसे कि बर्मा के एक संघ के लीडर अश्विन विराथु ने एंटी मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत की जिसमें बहुत से लोगों की जानें जा चुकी हैं। जबकि देखा जाए तो ये सब वायलेंस साफ साफ बुद्धिस्ट एथिक्स के बाहर है। हर देश का संघ वहाँ की जनता से और प्रजा के स्ट्रगल से जुड़ा होता है। हर संघ को हक है कि वो बुद्ध की बात के सार को अपनी स्थिति के हिसाब से समझें और लकीर के फकीर ना बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।